नमस्कार दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के, अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं कहीं पे भी बहुत सोच समझ के, लेकिन कई बार हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और वो छोटी छोटी गलतियों के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और हमें रिज़ल्ट मिलते हैं बहुत ख़राब। तो इसी तरह की गलतियों से हम बचे रहें तो यहाँ पर आज मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ, और पाँच म्यूचुअल फंड होंगे, और उन पांच पॉइंट में ना, पांच म्यूचुअल फंड में फोर्थ पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 50% लोग या 40% लोग तो गलती करेंगे ही करेंगे, वो वाली जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। आप 5 मिनट भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे, मुझे एक फंड ज़रूर है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, उसे बताने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी फंड को बताने में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। आपको रीज़न 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन उसको बताने के लिए, हाँ वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले अगर हम उसी की बात कर लें तो ठीक रहेगा, नहीं रहने देते हैं, अगले नंबर पे बात कर लेंगे। पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ जिनके नाम बताने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और वो फंड अच्छे हैं लेकिन हम किसी और वजह से नहीं ले सकते उनको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर फंड तो बहुत सारे अच्छे हैं, मैं आपको 40 फंड बता दूं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम सभी पोर्टफोलियो में रख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में एक दो बार बताया है, एक शॉर्ट में भी बताया है कि पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड है वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और दोनों सेम फंड हाउस हैं, तो दोनों के स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल सेम है और बस इतना फर्क है कि उसमें US इक्विटी का एक्सपोजर है, टैक्स सेवर में वो नहीं है। तो 85% ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। मतलब देख के बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, ठीक है, और पिछली वीडियोस में मैंने नंबर्स के साथ भी दिखाया था, इस वीडियो में मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले जो दो नाम बता रहा हूं ना, वो तो फंड फिर भी ठीक है, मतलब आप ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका इसलिए बता रहा हूं कि और कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो बाकी लास्ट के तीन है ना, उनमें तो प्रॉब्लम है, साफ सीधी बात है, वो किसी भी कंडीशन में आप नहीं ले सकते। शुरू के एक दो फंड तो अगर मैं आपको समझा दूं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक बार को वो फंड सोच सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ले सकता हूँ या नहीं, लेकिन लास्ट के 3, 4, 5 जो पॉइंट हैं उस वाले फंड तो आप ले भी नहीं सकते। और थर्ड पे तो मैं आपको पूरा का पूरा एक सेक्टर बता दूंगा या एक पूरा एरिया बता दूंगा कि यहाँ पे तो जाना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो पहले उन दो की बात कर लेते हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पराग पारिक टैक्स सेवर, ले सकते हैं अगर आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं है, अगर है तो दोनों के बीच 80% से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी और लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों के अंदर इंडियन स्टॉक एक स्टॉक सेम है, अगर इंडियन बात की जाए, इंडियन मार्केट के। और हाँ, पराग पारिक फ्लेक्सी में हमें US मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स सेवर में ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स सेवर सारा का सारा इंडियन मार्केट से बना हुआ है और सेम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो इंडियन स्टॉक्स उसमें है। सेकंड नंबर पे आता है HDFC रिटायरमेंट या ICICI के रिटायरमेंट फंड। बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये मल्टी कैप फंड होते हैं, लेकिन इनमें लॉक इन पीरियड होता है मेरे भाई, कोई रिटायरमेंट प्लान ऐसा कुछ नहीं होता इसमें अलग, नॉर्मली ये भी चलते हैं, लेकिन इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखना, इनसे दूर रहना, बेशक ये कितना मर्जी रिटर्न दे रहे हो, ठीक है। बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखी है और ये बता भी नहीं रखा कि हाँ ये इसमें लॉक इन पीरियड है, तो संभल के रहना, मल्टी कैप है, बहुत गजब के रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है तो ही पैसा अपना डालना, ठीक है। अब थर्ड नंबर के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और फिर फोर्थ जो बहुत बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए रुकना जरूर, ठीक है, चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन में से HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया और क्वांट एक्टिव। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्वांट एक्टिव में हमें पैसा डालना है या नहीं डालना। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि अपना 15-20% आप डाल सकते हो मार्केट अभी। अगर सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, आपको चैनल पर नज़र बनाए रखनी है और भी आप दूसरे चैनल्स भी देखते होंगे, तो अगर इसमें कई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो कल को आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव बहुत बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन 15-20% इससे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में मत रखना। और इसको रखा हुआ है तो क्वांट टैक्स प्लान मत लेना और क्वांट का कोई और दूसरा फंड मत लेना, और उसका रीज़न कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ फोकस करते हैं इस फंड पे जो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आया हूँ, किसके लिए, HDFC फ्लेक्सी कैप के लिए। अगर मैं बोलूँ ना कि इसका जो साइज़ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से भी बड़ा है, तो ये देखो ध्यान से, ये शायद इसलिए है क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो तो जिन लोगों को शायद इन्वेस्टमेंट की कम नॉलेज होती है तो उनको ये चिपका दिया जाता है,
ठीक है। और सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर आपके पास है ना तो जितनी जल्दी स्विच कर जाओ, जितना जल्दी अपना पैसा उठा के पराग पारिक पीजीआई में क्वांट किसी में भी डाल दोगे ना, तो कम से कम इससे तो बेटर रहेगा। इन तीनों में कौन सा बेटर है वो किसी और एक अलग दिन का आर्ग्यू है, लेकिन आज के टाइम पे मैं अगर बात करूँ, अगर आपके पास HDFC फ्लेक्सी कैप में पैसा डला हुआ है तो भाई निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 मंथ की, 6 मंथ की, 1 ईयर की और 3 ईयर की और 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में ये बहुत पीछे है, जस्ट 13% है, 15% भी नहीं दे पाया रिटर्न। और 3 ईयर में इनसे पीछे है, सबसे पीछे है। 1 ईयर में अगर बात करें तो 1 ईयर में जरूर इसने रिटर्न जनरेट किए हैं, शॉर्ट टर्म में रिटर्न जनरेट किए हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं किए। तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिक्कत और है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो सबसे खराब है इसका, खराब है ना, तो मतलब इनके कंपैरेटिवली खराब है दोनों का, क्वांट एक्टिव और HDFC फ्लेक्सी का। तो क्वांट हमें फंड रिटर्न उसी हिसाब से दे रहा है फिर, ठीक है ना। वो अगर हमें रिस्क एक्स्ट्रा दे रहा है तो ऊपर रिटर्न भी देखो ना, आप कितने एक्स्ट्रा दे रहा है। 5 साल में, 3 साल में आप रिटर्न देखोगे तो वो किसी के आसपास भी नहीं खड़ा, ठीक है। शार्पे रेशो 1 से ज़्यादा होना चाहिए सबका है, इसका छोड़ के, HDFC का छोड़ के। बीटा की बात करें 1 से कम होना चाहिए सबका, 1 से कम है इसका छोड़ के। सोटिनो की बात करें तो सोटिनो भी ऐसा है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए इसका नहीं है। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा तो माइनस में है, और जिस फंड का अल्फ़ा माइनस में है तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है, मैं उसको नहीं लेना चाहूँगा। और अगर और भी आगे आप रीज़न ढूंढना चाहते हैं तो रीज़न इसका, एक तो मुझे पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं लगता, और डिटेल में जाऊँ तो यही सेम फंड, यही सेम स्टॉक्स हमें ब्लू चिप में भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग भी काफ़ी करेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये भाई साहब, 1% तो हमारा एक्सपेंस रेशो लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट है नावी के जो म्यूचुअल फंड है, और फिफ्थ पॉइंट है जो इंटरनेशनल फंड्स हैं। अब मैं दोनों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली लोग गलती क्यों करते हैं। मोस्टली लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि US मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा, बाहर की मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा, जापान की ये वो। पहली बात तो वो मार्केट इंडियन मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो आप इंडियन मार्केट में ही पैसा लगा सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि नावी और इंटरनेशनल फंड हमें नहीं लेने चाहिए। पहली बात, इनमें पहले पैसा नहीं डाला जाता था, लेकिन आजकल ये फंड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनमें धीरे धीरे पैसा भी ज़्यादा डाले जाने लगा है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा लगता है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ज़्यादा ये माइंड में क्रिएट कर दिया है कि US मार्केट का एक्सपोजर ले लो, बाहर का ले लो। या ठीक है, चाहिए होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे तरीके हैं हमारे पास कि अगर हमें बाहर की मार्केट का एक्सपोजर चाहिए तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नावी की, तो नावी मैंने फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, कोई क्लिकबेट नहीं था मेरे भाई। नावी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है ना अपनी ऐप की, ठीक है, तो लोग इनकी ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऐप पे मतलब लोन की एड्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता होगा कि नावी ने म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग रहती है इनकी, और कहीं ना कहीं लोगों को टारगेट किया जाता है, तो वहाँ पे लोगों को बच के रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, जिन म्यूचुअल फंड से, जिन सेक्टर से दूर रहना है वो सब समझ आ गया होगा। और इसी तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।